आ गई मलेश काके पंडित की असली सच्चाई नीलम के सामने। और नीलम पूछेगी मलेश काके पंडित से कि मलेश का ने आपको कितने पैसे दिए थे, और उगल देगा पंडित मलेश का और करिश्मा बुआ की असली सच्चाई। और लक्ष्मी बचाएगी मार्केश दोषे और बड़े खतरे से ऋषि की जान, और होगा नीलम को अपने किए का एहसास और मांगेगी लक्ष्मी से माफी एंड निकाल देगी मलेश का को घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में ऋषि पर मार्केश दोष के ग्रह की दशाएं काफी ज्यादा मजबूत हो जाने की वजह से जब मलिश्का का लाल पंडित मलिश्का से मिलने के लिए घर आएगा, तभी मलिश्का घर पर ना होने की वजह से नीलम पंडित को कहेगी कि पंडित जी मलिश्का घर पर नहीं है, लेकिन बताइए आपको क्या काम है, आप अंदर आकर बैठिए ना। तभी यह सुनकर जब मलिश्का का पंडित घर पर बैठेगा और शालू नीचे हॉल में होने की वजह से जब नीलम उस मलिश्का के लाल पंडित को अकेले अपने रूम में ले जाएगी, तभी मलिश्का का पंडित नीलम को कहेगा कि अभी ऋषि की जान पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और ऋषि पर मार्केश दोष का घात होने वाला है, इसी वजह से आपके घर में जो लक्ष्मी आई है उसे ऋषि से दूर रखिए, वरना ऋषि की जान जा सकती है, और मलिश्का को ऋषि के करीब रखिए क्योंकि मलिश्का ही है जो ऋषि की जान बचा सकती है। यह सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी मलिश्का दोनों ही घर पर ना होने की वजह से जब नीलम सभी को पूछेगी कि लक्ष्मी और मलिश्का कहाँ है, तब घर का नौकर कहेगा वो लक्ष्मी भाभी ऋषि के ऑफिस गई है, और ऋषि की बहन कहेगी मलिश्का भी ऋषि के साथ ऑफिस में है। यह सुनकर नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन जब मलिश्का का पंडित अकेला अपने कमरे में होगा और जब मलिश्का को फोन करेगा और कहेगा कि मलिश्का जी आप अभी कहाँ है, तब मलिश्का कहेगी मैं अभी ऋषि के ऑफिस ऋषि के साथ हूँ, जिसे सुनकर पंडित कहेगा अच्छा ठीक है आप उसके साथ ही रहिएगा, और कहेगा कि मैंने आपके कहने के अनुसार नीलम को कह दिया है कि लक्ष्मी को ऋषि से दूर रखे, वरना ऋषि की जान पर मार्केश दोष का खतरा आ सकता है, और कहेगा कि मुझे अभी मलिश्का जी कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे अभी मेरे काम के आधे पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। यह सुनकर मलिश्का कहेगी आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, और लेकिन बड़े राज का खुलासा होगा कि यह सारी मलिश्का के पंडित जी की बात है और कोई नहीं बल्कि कमरे के बाहर नीलम सुन लेगी और नीलम के होश उड़ जाएंगे, और नीलम मलिश्का के पंडित से सवाल करते हुए कहेगी आप अभी किससे बात कर रहे थे, तब यह सुनकर पंडित डर जाएगा, और जब नीलम गुस्से से पंडित से पूछेगी बताइए अभी आप किससे बात कर रहे थे, तब पंडित किसी दूसरे का नाम लेगा, लेकिन नीलम कहेगी आप मलिश्का से बात कर रहे थे ना, मैंने सब सुन लिया है और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर पंडित के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और नीलम मलिश्का के पंडित से डायरेक्ट मुंह पर सवाल करेगी कि बताइए आपको मलिश्का ने झूठ बोलने के लिए कितने पैसे दिए थे, तब यह सुनकर पंडित कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन जब नीलम पुलिस को बुलाने की धमकी देगी तभी पंडित सारी सच्चाई उगलते हुए कहेगा कि मुझे यहाँ पर मलिश्का ने झूठ बोलने के लिए बुलाया था और मुझे उसके लिए लाखों रुपए देकर मलिश्का ने कहा था कि मैं लक्ष्मी के बारे में इस घर में आकर सारी अशुभ वाली बातें करो और कहूँ कि ऋषि की जिंदगी में जो खतरे आए थे वो सिर्फ लक्ष्मी की वजह से आए थे, और पंडित कबूल करते हुए कहेगा कि अब तक मैंने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था, पंडित बद्रीनाथ जी हमेशा से सही थे, मैंने ये सब पैसों की लालच में आकर किया। यह सब सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे और सदमे के मारे नीलम बेड पर बैठ जाएगी, लेकिन जब ऋषि पर मार्केश दोष का वार होगा और लक्ष्मी ऋषि की जान बचाएगी तभी नीलम को अपने किए का एहसास होगा, और नीलम मांगेगी अपने किए के लिए लक्ष्मी से माफी और कहेगी बेटा लक्ष्मी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कह दिया, फिर भी तुमने हमारी बातों को अपने दिल पर ना लेकर हमारे बेटे ऋषि की जान बचाई, तुम हमारे लिए शुभ हो बेटा। यह सब अचानक से नीलम के ऊपर बदलाव देखकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे, लेकिन जब मलिश्का नीलम के सामने आएगी तभी लक्ष्मी के सामने नीलम मलिश्का को घर से बाहर निकाल देगी, और मलिश्का के पंडित और मलिश्का की असली सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं, और नीलम को उसके किए का एहसास होना चाहिए क्या नहीं, और आप लक्ष्मी आयुष एंड ऋषि और पूरे परिवार को पहले जैसा एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, यह सब हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।